हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मंगलवार को प्लस टू का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। बोर्ड अध्यक्ष राजीव शंकर ने बताया कि बोर्ड द्वारा मार्च 2018 में आयोजित जमा दो नियमित कंपार्टमेंट श्रेणी सुधार एवं अतिरिक्त विषय के परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया गया है, जो कि 70.18% रहा है। उन्होंने बताया कि प्लस टू की परीक्षा में कुल 98,981 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें से 68,621 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 15,785 कंपार्टमेंट घोषित कर दिए गए हैं तथा परीक्षा परिणाम 70.18% रहा। बोर्ड अध्यक्ष राजीव शंकर ने बताया कि मार्च 2018 में संचालित जमा दो की परीक्षा में जो परीक्षार्थी कंपार्टमेंट घोषित किए गए थे, वे परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक माह के भीतर बिना विलम्ब शुल्क अपने स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन जून 2018 की परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र भर सकते हैं। ऑफलाइन कोई भी प्रवेश पत्र मान्य नहीं होगा। बोर्ड अध्यक्ष राजीव शंकर ने बताया कि परीक्षार्थी की सुविधा के लिए बोर्ड के मुख्यालय के दूरभाष नंबर 01892242139 पर सुबह 10 बजे से लेकर साय 5 बजे तक परीक्षा परिणाम पता किया जा सकता है। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उन्होंने सभी मेधावी स्टूडेंट्स को बधाई देते हुए अन्य स्टूडेंट्स से प्रेरणा लेने की सलाह दी है, ताकि भविष्य में अन्य स्टूडेंट भी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि जमा दो SOS का परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मंगलवार को घोषित प्लस टू के परीक्षा परिणाम में आर्ट्स व कॉमर्स की मेरिट में प्रदेश भर में पहला स्थान पर बेटियों ने कब्जा किया है, जबकि साइंस में प्रदेश के दो बेटों ने पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। आर्ट्स की मेरिट सूची में MSC सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानपुर टिहरा की अक्षिमा ठाकुर ने प्रदेश भर में प्रथम, महर्षि दयानंद आदर्श उच्च विद्यालय चंबा की गरिमा महाजन ने 470 अंकों के साथ दूसरा और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनेड़ के केवल ने 473 अंकों के साथ प्रदेश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। कॉमर्स की मेरिट में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराहन की सैजल अरोरा ने 483 अंकों के साथ प्रदेश भर में प्रथम, कैरियर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन की प्राची चौहान ने 481 अंकों के साथ प्रदेश भर में दूसरा और कैरियर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन के ही सक्षम लोहिया ने 477 अंकों के साथ प्रदेश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। साइंस की मेरिट सूची में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगवाड़ा के साहिल कतना और वर्धमान महावीर पब्लिक संयुक्त रूप से पहले स्थान पर अपना कब्जा जमाया है। साइंस की मेरिट में ब्लू स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर की समृद्धि सहगल और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल धमेटा के प्रांजल राणा ने संयुक्त रूप से प्रदेश भर में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नौरा के M अखिल राणा ने एविनस क्लासेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहल की स्नेहा ठाकुर और गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पक्का प्रोह अम्ब के देवेश राणा ने 487 अंक लेकर संयुक्त रूप से प्रदेश भर में तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया है। हाँ, इस बार हमारा ये प्रयत्न रहा है कि जो रिजल्ट हो पिछले वर्षों से जल्दी निकाला जाए, जिससे कि विद्यार्थियों को सुविधा ना हो आगे एडमिशन लेने के लिए। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि 70% के लगभग उत्तीर्ण हुए हैं बच्चे। कुल लगभग 98,000 विद्यार्थी इसमें आए थे और 5% जो है 70% रही है। हालांकि ये पिछले वर्ष से 2% कम है, परंतु फिर भी ये एक प्रेरणाजनक बात है। और बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा इसी मीडिया के माध्यम से कि जो मेरिट में 10 बच्चे आए हैं उसे प्रेरणा लें और आगे के लिए वो प्रयासरत रहे कि अच्छे परिणाम दें, जिससे न केवल हम एडजॉइनिंग स्टेट्स नॉर्थ इंडिया में परंतु इस जोन में 5% में प्रथम आए। सर, हाँ, ये एक्चुअली गत वर्ष भी थोड़ा लेट हुए थे, लेट भी नहीं बोल सकते हैं, परंतु थोड़ा 10-15 दिन आगे रहे थे, तो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस वक्त ये रिजल्ट निकल आएगा। परंतु हमारे बोर्ड के सभी जितने भी मेंबर्स हैं और कर्मचारियों की लगन से ये कार्य किया गया
और अब ये हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और वो घर बैठे वहाँ साइबर कैफे में जाकर ये करेंगे। अगले वर्ष से हम कोशिश करेंगे कि ये हमारे वाईफाई सिस्टम जो लगेगा उसके द्वारा भी वो हमारे वार्ड कॉम्प्लेक्स में आकर ये करेंगे उसको।